मैं मौजूद हूँ पहाड़ों के एन बीचों बीच। ये मेरा गांव है और इस गांव के अपने अबाई गांव में मौजूद हूँ और अबाई गांव के पहाड़ के ऊपर मौजूद हूँ, पहाड़ के दामन में बैठा हूँ। अच्छा, आने की यहाँ पर दो तीन वजहें थी। एक तो हमारे कुछ मेहमान आए थे हाइकिंग के लिए और उनको शौक़ था कि वो एक यहाँ पर ज़्यारत है जिसे दादी शहीदा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जाए, तो उनको लेके आना था क्योंकि उनको रास्ता का नहीं पता था। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना पहला व्लॉग अपने गांव पे बनाऊं। तो आगे बात करते हैं, लेकिन पहाड़ से आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, बताता चलूँ। मैंने ख़ुद सुना है, बहुत से लोगों से सुना है, सच है झूठ है इसके ऊपर बात नहीं करता, लेकिन कहा जाता था जब यहाँ पर पाकिस्तान नहीं बना था और यहाँ पर सिख बिरादरी जो थी वो काबिज थी, तो यहाँ पर सिखों और मुसलमानों की जब आपस में जंग हुई तो यहाँ के कुछ नेक लोग थे जिन्हें कहते हैं अल्लाह वाले लोग थे, उनकी जब आपस में जंग हुई तो जब उनके सर कटे, उनका सर और उनका धड़ उड़कर यानी ज़मीन से उड़कर उस पहाड़ की वो जो पीछे, और शायद आपको वहाँ पर लाल पीला कलर का झंडा भी नज़र आ रहा हो, यहाँ पर आके गिरे और यहाँ पर उनकी कब्र आ गई कि उनकी बेहरमती नहीं कर सके, मतलब कि उनके गले काट कर फिर उनकी लाशों की बेहरमती की जाती थी मुसलमानों की। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह पाक ने उनकी जो लाशें थीं या उनके जो जिस्म थे जो शहीद होने के बाद जो उनके जिस्म रह गए थे उनकी हिफाजत फरमाई। ये लोगों के कहने की बात है और लोगों का ईमान यहाँ तक है कि यहाँ पर आकर आप जो दुआ मांगेंगे इनके तवसल से तो अल्लाह पाक वो पूरी भी करेगा। तो अकीदा है जी, हर बंदे का अपना अकीदा है, हर बंदे का अपना ईमान है, इस पे ऊपर कोई बंदा बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मेरे सामने की बात है कि बहुत से लोगों की मैंने दुआएं कबूल होते देखी हैं, वो अल्लाह पाक कबूल करने वाला है, लेकिन उनका कहना है और मेरे सामने वो यहाँ पर आए थे और यहाँ आने के कुछ अर्से बाद थोड़ा ज़्यादा कुछ भी उनकी वो तवक्को या वो ख्वाहिश पूरी हुई है। तो अल्लाह पाक है जी, दे सकता है। लेकिन खैर, मेरा यहाँ मकसद था ऊपर आना, यहाँ के जो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, कैसा रास्ता है और यहाँ से इस गांव का क्या व्यू है। गांव का नाम पता चलूँ, गांव का नाम है सरी और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। सरी मौजूद है जी केपी के डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में और डिवीज़न जो है वो हज़ारा है। और ये जो सरी गाँव की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि ये पहाड़ के बिल्कुल दामन में मौजूद है, यानी गुलदस्ते का वो खूबसूरत फूल जो पूरे गुलदस्ते की खूबसूरती में एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। मैं अगले अपने शॉट में ज़रूर बताऊंगा कि कैसे दामन में मौजूद है, यानी पहाड़ के नीचे आके उसके ऐन गोद में मौजूद लोगों के घर और इसके बिल्कुल सामने तरबेला झील, तरबेला झील के बिल्कुल साथ हरिपुर और हरिपुर के साथ बिल्कुल आगे एबटाबाद का व्यू और उस तरफ इस्लामाबाद और वाकेंट और सारे व्यू देखते हुए मरी के पहाड़ हमारे सामने मौजूद हैं। यहाँ का व्यू दिखाया कुछ भी, और इंशाल्लाह मेरा अपना जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मेरे अपने गांव के ऊपर होगा और गांव के साथ साथ मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके जाऊंगा, मतलब समझो मैं आपको